हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमंतू भोटिया अगेन। और मैं आया हूँ अपने नाना नानी के घर काफ़ी टाइम के बाद। एक्चुअली परसों ही मैं आया हुआ था दिल्ली से यहाँ पे, और आज मैं शेयर करने वाला हूँ यहाँ की सारी मेमोरीज। मैं यहाँ पे 2001 एंड 2002 में 2 साल के लिए था, तो बहुत ही यादगार वो टाइम है मेरे लिए। और मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मेरे नाना का घर कैसा है, पास में स्कूल जो था गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे मैंने 2 साल बिताए थे वो स्कूल कैसा है, हम लोग वहाँ पे कैसे मस्ती किया करते थे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, फार्म्स, इनके पास बहुत बड़ा फार्म एरिया है, अराउंड 20-25 एकर में इनका फार्म एरिया है। तो कुछ कुछ मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, जो नियरेस्ट फार्म है मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ की मेमरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये बिहार राज्य के खगड़िया ज़िले में अकहा गांव है एक, ये बांध है और बांध के उस पार गंगा नदी होती है, तो ये सारे खेत जो हैं वो गंगा नदी में होता है। तो यहीं पे मेरा ननिहाल है, नानी का घर, और मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि मेरे नाना नानी का घर कैसा है। ये है मेरा ननिहाल, और एक्चुअली ये 50 साल पुराना है। अभी कुछ नया न्यू कंस्ट्रक्शन भी हुए हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। ये आसपास सारे पड़ोसी हैं जो कि पहले यहाँ पे फूस का घर हुआ करता था, और अब सब कुछ डेवलपमेंट हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है वो लोग यहाँ पे गाय भैंस वगैरह करते हैं। और ये वो गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे हम लोग पढ़ा करते थे। एक्चुअली ये मेरा ननिहाल और ये मेरा गवर्नमेंट स्कूल, तो हम लोग यानी कि फुल स्कूल टाइम में ना हर एक घंटी में, हर एक पीरियड्स में दौड़ दौड़ के घर जाया करते थे, और कुछ ना कुछ खाने के लिए हमें मिल जाता था। तो हमारे टीचर्स हमसे हमेशा परेशान रहते थे कि हर एक पीरियड में ये लोग भाग जाते हैं। और ये वही गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर मैंने 2 साल बिताया था, और वो मेमोरीज़ मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। एक्चुअली जो टीचर्स थे जिनके अंडर मैंने पढ़ाई की थी वो 2 साल, वो लोग अब है भी नहीं इस दुनिया में। तो काफ़ी मेमोरीज़ मेरी जुड़ी हुई हैं इन सब जगहों से, और बहुत कुछ याद आता है टाइम टू टाइम। और ये हमारा प्लेग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पे हम खेला करते थे। और ये छत है, काफ़ी बड़ा छत है, अराउंड मुझे लगता है 3000 या 3500 में स्क्वायर फीट में ये पूरा छत था, तो हम लोग छत पे भी मस्ती किया करते थे। और ये जो है ये हमारे बड़े मामा जी का घर है, प्रमोद मामू है हमारे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी टीचर थे। हम लोग उनके अंडर में भी काफ़ी हमने ट्यूशंस लिया हुआ है, मामा जी के अंडर बहुत पिटाई किया करते थे। तो ये मेरा ननिहाल है, आगे मैं खेत जाने वाला हूँ वो मेमोरीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। शाम को मैं चिकन और फिश बनाने वाला हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करूँगा नाना नानी के घर का। तो मैं आया हूँ खेत में घूमने के लिए, क्योंकि मेरी जब मैं बचपन में यहाँ पर रहा करता था आज से 20 साल पहले, तो एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग हम लोग वॉकिंग के लिए आए थे। ये प्योर बिल्कुल नेचर ही नेचर है यहाँ पे। आसपास सरसों के खेत हैं, मक्के के खेत हैं, मेरे कजन्स मेरे साथ हैं, और आसपास गेहूँ मक्के, और पोल्यूशन लेवल तो यहाँ का बिल्कुल ही मज़ेदार है, यानी कि 25 है अभी यहाँ पे। तो प्योर एयर का जो मज़ा है वो मैं ले रहा हूँ फ़िलहाल खेतों में घूम घूम के। पास में यहाँ पे स्टेट बोर्डिंग भी चल रहा है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ देखने के लिए जहाँ पे हम लोग नहाया करते थे बचपन में। तो मैं देखता हूँ अगर चांस मिलेगा तो मैं अभी भी नहाऊँगा। हम पहुंच गए बोरिंग के पास, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाइप लगा हुआ है तो हम मस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे गेहूं के खेत है जो अभी वहाँ पे पानी दिया जा रहा है, और अभी हमने 2-3 खेत कवर कर लिया है सरसों के और गेहूं के, और फिर हम तीसरे खेत में जा रहे हैं जहाँ पे कि मक्का लगा हुआ है, और उसे भी देखना है अभी। तो नियरेस्ट जो भी हम लोगों का फील्ड है विलेज में उसे हम आज कवर कर रहे हैं। इस वाले गेहूं के खेत में भी पटवन हो रहा है, और ये बीच बीच से पाइप से पानी के फव्वारे निकल रहे हैं। ये हरियाली और ये नेचर देख के ना सच में दिल करता है कि बस यहीं पे रह जाऊं और यहीं एक कोने में छोटा सा घर बनाऊं और हमेशा वहीं पे रहूं। तो हम अपने इस खेत में आए हुए हैं, यहाँ पे ना मसाला लगा हुआ है, धनिया जो कि होता है ये भी हमारे खेतों में लगा हुआ है, और अभी तो छोटे छोटे पेड़ हैं इसके, तो हम ये भी देखने के लिए आए हुए थे। और थोड़ा सा धनिया लेके अभी हम घर जाएंगे चटनी वगैरह के लिए, और सब्जी वगैरह में जो डालते हैं उसके लिए। तो मैं यहाँ पे जनरली अभी बथुआ जो कि हम लोग दिल्ली में मिनिमम 50-60 रुपये में केजी खरीदते हैं, और हमारे खेतों में ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इनफैक्ट यहाँ कोई पूछता भी नहीं है इसे, तो हमने सोचा कि चलो खेत आए हैं तो थोड़ा थोड़ा हम ले चलते हैं घर पे, और फिर दाल के साथ मिक्स करके या भुजिया बना के इसे चावल के साथ हम लोग खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिलहाल सब लोग इसी प्रिपरेशन में लगे हुए, थोड़ा थोड़ा निकाल के दिखाओ। तो यार यहाँ पे यहाँ दिखाओ, हाँ ये
ये बथुआ है, जनरली 50-60 रुपीज़ के जी मिलते हैं हमारे डेली में। देखा अब सही कर लियो, हमने चटनी खाने के लिए थोड़ा धनिया भी तोड़ रहा हूँ मैं। ये अभी मैंने इतना धनिया तोड़ा हुआ है, अपने खेतों का प्योर धनिया है, तो मैं बिल्कुल अपने 20 साल पुराने ज़माने में चला गया हूँ। और मैं उस टाइम क्या क्या करता था, पूरा मुझे बचपन में मुझे अच्छे से तोड़ने नहीं आता था, तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लिया करता था। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैं नीचे के पत्तों को तोड़ रहा हूँ, ताकि जो ये ऊपर के जितने भी वो हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये हमारा खेत यहाँ से स्टार्ट है, थोड़े में जय लगा हुआ है, आगे धनिया लगा हुआ है। यहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई भी किनारा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि खेत ही खेत हैं सिर्फ, और सब में फसल लगा हुआ है। कहीं पे मक्का है, कहीं पे गेहूं है, कहीं पे हमारा जय है, कहीं पे मसाला लगा हुआ है। यानी कि इनफैक्ट ये रोड जो है ये इधर गंगा जी को जाती है, और ये जो हमारा बाढ़ का सीज़न होता है तो ये सारे खेत डूब जाते हैं पानी से, गंगा के पानी से। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही सीज़न का फसल होता है जो हमारा विंटर्स में हुआ करते हैं। जनरली मैं दिल्ली में देखा करता हूँ लोग अपने बच्चों के लिए ना जो अकेडमीज़ होता है वहाँ पे एडमिशन कराते हैं क्रिकेट वगैरह की ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पे हमारे विलेजर्स को देखिए, विलेज में बच्चों को कैसे कीचड़ में ये लोग खेल रहे हैं, जो गंगा का पानी सूखा हुआ है ना, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कीचड़ है अभी। और कितने मज़े से ये ईंट का विकेट बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ इसे, ये कीचड़ और ईंट का इन्होंने विकेट बनाया हुआ है। बाबू बैट दिखाओ क्या है, टेप वेप लगा के पूरा प्लाई का। ये हमारे बैट्समैन है, फ्यूचर के सचिन, ये देखिए इनको, और मस्ती से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन का डर नहीं है। जनरली हम बच्चों को कीचड़ और धूल मिट्टी से दूर रखते हैं इन सब खेतों में। ये दूसरों का खेत है जिन्होंने थोड़े थोड़े बगीचे लगाए हुए हैं यहाँ पे। और जब मैं बचपन, हम मेरे बचपन टाइम में एक्चुअली ये सब नहीं हुआ करता था, अभी कुछ टाइम में ये सारी डेवलपमेंट्स हुई थी। पहले ये यहाँ पे रोड भी नहीं था, ये रोड भी अभी 8-10 साल पहले ही बनी है यहाँ पे। और ये प्रॉपर सड़क के किनारे कुछ पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, उस साइड बांध के खेत वेत है। मैं बहुत ही थक गया हूँ तो मैं घर ही जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं आया हूँ अपने हाई स्कूल में, जहाँ से मैंने 10th पास किया था। ये जो मेरे पीछे एक स्कूल आपको दिख रहा है खंडर टाइप का, ये हाई स्कूल मथुरापुर है, जो कि मेरे ननिहाल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और पहले तो इसका सिचुएशन काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे टीचर्स वगैरह भी स्टे करते थे, गार्डन्स वगैरह बना हुआ था। बट आज मैं यहाँ पे 2009-10 के बाद मैं आ रहा हूँ, जब मैंने यहाँ से अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह कलेक्ट किया था 10 में, उसके बाद से मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। और अभी का सिचुएशन देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इस स्कूल से पढ़ाई की। मेमोरीज़ तो मेरी काफ़ी अच्छी है, बट अभी का सिचुएशन देख के काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे।